दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा वफाए मेरे याद करो वो दिल तोड़ के कर याद वो जमाना मेरे प्यार का चैन लूटना तू दिल के करार का ओ तेरे दिल वाले तुझे जब तार तो के फरियाद करूंगी वो दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा वफाए मेरे याद करूंगी वो दिल तोड़ के। हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी संगीत प्रेमियों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और इसको मिस ना करेंगे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त बातें आज मैं बताने वाला हूं। आज मैं बातें ये बताने वाला हूं दोस्तों कि तीन स्वर संगीत का जड़ है। तीन स्वर जो है संगीत का जड़ है जिसे दुनिया के सभी लोग जानते हैं। सभी लोग, आपको भी वो स्वर पता है, हमें भी पता है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी जो है हम हारमोनियम नहीं बजा पाते, फिर भी हम संगीत के जो जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे बताने का, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर ख़राब लगेगा तो ये भी बता दीजिएगा कि हमें इससे जो कोई लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल सारी बातें अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर हमें फीडबैक के रूप में दीजिएगा। आइए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। हाँ, अरे गुजारिश रहेगा दोस्तों कि वीडियो को स्किप ना करेंगे, छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और लास्ट तक देखेंगे, ताकि जब पूरा आप देखेंगे ना तब जाके सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ इसमें कौन सी पॉइंट था जो सीखने लायक था, है ना। अब आते हैं, आप गौर किए होंगे दोस्तों कि जब ये पहले देखिए बात करते हैं हारमोनियम में देखें तो ये हमारा कितना होता है, तीन सप्तक होता है। इसको एक नीचे, सबसे नीचे जो होता है उससे क्या कहते हैं, मंद्र सप्तक। ये जो बीच में होता है मध्य सप्तक और लास्ट में हो जो होता है तार सप्तक, है ना। तो ये मान लीजिए कि ये आपका तीन स्वर है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ये आपका तार सप्तक। ये तीन क्या हो गया, आपका स्वर हो गया। अब इसको समझना हमें कैसे, देखिए जब हम बात करते हैं, है ना, बात करते हैं, दो बंदे अगर आपस में आप देखते होंगे, गौर कीजिएगा, बहुत ही सोचने वाली बात है, खासकर जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, जो बिल्कुल नए हैं, स्वर का ज्ञान पता नहीं चल रहा कि आखिर ये स्वर है क्या, कहाँ अप होता है, कहाँ डाउन है, क्या है, नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल उनको दोस्तों आज क्लियर हो जाएगा। आप इस चीज़ को गौर किए होंगे कि कहीं पे आप जो है गप कर रहे हैं, प्यारी बातें कर रहे हैं, आप दो मिलकर, है ना, जो आपके इस दुनिया में प्यारा हो, तो अच्छी अच्छी बातें जब प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो कितना स्लो गति में, कितना मतलब मीठी मीठी आवाज़, धीरे धीरे बातें करते हैं, तो वो जो हो गया आपका स्वर कौन सा हो गया, आपका मंद्र सप्तक में आ गया, वो मंद्र सप्तक हो गया, मतलब बिल्कुल नीचे आपका हो गया, है ना। आप अगर फ़ोन पर ही बात करते हैं, धीरे धीरे बातें कर रहे हैं और प्यारी सी बातें कर रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से जो है वो कहाँ पे आपका मंद्र सप्तक में मतलब क्या होता है, उसका फ्रिक्वेंसी जो होता है बिल्कुल लो होता है। अब मध्य सप्तक की बातें करें, आप कहीं पे चले गए ड्यूटी पे, है ना, या तो कहीं पे दो दूरी में बना, थोड़ी दूरी डिस्टेंस हो, है ना, वहाँ पे आप बात कर रहे हैं, तो अब कहीं कार्यालय चले गए, या तो मान के चले कि टीचर कहीं पे पढ़ा रहे हैं, ऑफिस में है कोई साहब, है कोई स्टाफ आपका है, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर जो आपका वॉइस जो होता है थोड़ा सा अप होता है, जो प्यार की बातें जो आप करते हैं आपस में एक दूसरे के बीच, उससे थोड़ा सा अप होता है, वो आपका कहाँ चला जाता है, मंद्र ये मध्य सप्तक में चला जाता है, बीच में, मतलब कि वो मीडियम आवाज़ आपका होता है, मीडियम आवाज़ होता है। और तो वो पहला जो क्या हो गया आपका, पहला जो स्वर हो गया, तीन स्वर मैंने बताया था, तो पहला स्वर समझ लीजिए कि वो मंद्र स्वर, मंद्र सप्तक वाला स्वर आ गया। दूसरा जो स्वर आ गया आपका
मध्य सप्तक वाला आ गया। तीसरा जो स्वर आपका है दोस्तों, तीसरा को हम कैसे समझेंगे? दो व्यक्ति अगर कहीं पे झगड़ा कर देता है तो आपस में उनको देखते होंगे कि कितने जोर जोर से चिल्लाते हैं, कितने जोर जोर से बातें करने लगते हैं। एक दूसरे को डांटता है, दूसरा उसको डांटता है, पहला को डांटता है, तो वहाँ पे आवाज़ देखते होंगे, वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होता है बहुत ही हाई हो जाता है। हाई मतलब कि आपका क्या हो गया, वो तार सप्तक में चला गया, ये तार सप्तक में। अब देखिए ये मध्य मंद्र सप्तक की आवाज़ देखिए क्या होता है। सा में दबाता हूँ, ये प्यार से बातें हो रहा है यहाँ पे। अगर ऑफिस आप चले गए, कहीं पे काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे दो स्टाफ के बीच हो रहा है, वो यहाँ झगड़ा अगर हो गया दोस्तों, ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। ये आपका क्या हो गया, अंतर। इसको समझना है, ये इसके बाद बारीकी में बताता हूँ। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जब हम प्यार से बातें करते हैं, ये तो ये हमारा वो मंद्र सप्तक में चला जाता है वो स्वर। और जब थोड़ा सा दो बीच के बीच में थोड़ा डिस्टेंस में बातें हम करते हैं तो वो क्या होता है, मध्य सप्तक में। और वहीं पर झगड़ा झंझट वाली बातें हो जाए तो वो क्या होता है कि तार सप्तक में वो चला जाता है। और यही जो तीनों स्वर हैं, तीनों स्वर के आगे पीछे करने, ऊपर नीचे करने, उल्टे पुल्टे करने से क्या हो जाता है दोस्तों, एक गीत का निर्माण हो जाता है, एक गाना बजने लगता है, एक धुन वहाँ पे तैयार हो जाता है, है ना। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम एक अब गाने के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे होता है। एक गाना हम ले लेते हैं, कोई सा एक गाना ले, दो गाना ले, पाँच गाना ले, बात वही रहेगा दोस्तों, है ना। फिर मैं बताऊंगा दोस्तों कि अब अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो गाना को हमें कैसे निकालना है, है ना दोस्तों। बिल्कुल, पहले हम इस बात को समझ जाते हैं कि एक गाने में मंद्र स्वर कहाँ पे हो जाता है, मंद्र सप्तक का स्वर कहाँ हो जाता है, मध्य सप्तक का स्वर कहाँ हो जाता है और तार सप्तक का स्वर कहाँ हो जाता है, देखते हैं गाना के माध्यम से। तो ये क्या हमने शुरू किया मध्य सप्तक में पा प्यार के मध्य सप्तक, मतलब समझा कि जो हमारा जो यहाँ पे शुरू किया, यहाँ से देखे होंगे कि हमने मंद्र में आया, नीचे भी आया, फिर क्या किया इससे ऊपर भी गया, तो वही यहाँ पे समझ लीजिए कि मीडियम बातें हो रहा है और यहाँ प्यारी प्यारी बातें हो रहा है, जहाँ की जो कि स्वर यहाँ से नीचे क्या डाउन हो गया, उसके बाद ऊपर भी गया है, वो क्या हो गया हमारे समझ लिए तार सप्तक का स्वर हो गया। तो तीनों ये जो है ना, लो मीडियम और हाई, इस चीज़ को समझना, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई, किसी भी गाने में यही चीज़ें बस होता है, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई, है ना, बस इसको क्या होता है समझना। देखिए यहाँ से हमने शुरुआत किया पा से, प्यार के कागज पे, देखिए कहाँ यहाँ तक आ गया है, कोमलनी पे आ गया, कोमलनी मंद्र सप्तक कोमलनी, दिल की कलम से, फिर हमने क्या मीडियम आ गया, अब थोड़ा इससे हाई हो जाता, मतलब झगड़ा झंझट वाली बात, पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। ये चीज़ दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तीन स्वर हैं, अब उसी को जो है अप डाउन करके बनता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं, जब ये चीज़ें हमने पकड़ लिया कि भाई वो तीन स्वर होता है, मीडियम होता है, लो होता है और हाई होता है, तो अब उसी में से हमें गाना कैसे निकलता है। तो गाना निकालने का क्या दोस्तों, कि जैसे यही गाना मैं निकाल लूँ प्यार के कागज़ पे, है ना, तो हमने क्या, हमें आपको क्या करना, पहले गाना को बढ़िया से अच्छी तरह से सुनना है,
फिर दो बार चार बार पांच बार, उसके बाद क्या करना है, उसके साथ अपने वॉइस के साथ जो अपने कंठ का जो स्वर है, गॉड गिफ्टेड स्वर है, उसके साथ बटनों पे अंगुली रखना है, स्केल को मिलाना कहाँ पे, जैसे प्यार प्यार के कागज पे, ठीक है, प्यार 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 एक एक स्वर को हमें ढूंढते जाना, प्यारे 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 के, एक क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है सर, हम डाउन में चले, प्यारे के कागज 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 कागज, ये यहाँ पे बढ़िया मैच कर रहा था, हम समझ गए कि भाई यहाँ पे अच्छा स्वर है, कागज पे पे क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है, पे दिल की कलम से आ, पहले 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 मैंने लिखा। अब आगे और कोई गाना गा देते हैं, कभी ना, जैसे ले लेते हैं, तुम तो ठहरे तुम 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 तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, साथ साथ क्या निभाओगे, सुबह पहल जाने से घर को लौट जाओगे, ढूंढना मिला तुम तुम, इस प्रकार से देखना है कहाँ कहाँ पे स्केल मिल रहा है, और इस संबंधी कई वीडियो में बना रखा हूँ दोस्तों, आप पिछले वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों कि ये वीडियो कैसा लगा, इन तीनों स्वरों को ज़रूर आप देखेंगे, लो मीडियम और हाई से, मंद्र सप्तक वाला तार सप्तक वाला और ये मध्य सप्तक वाला, मंद्र मध्य तार तीनों को ध्यान में रखते हुए अब गाना निकालना आराम से सीख सकते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस जारी रखें, धन्यवाद दोस्तों।